सांवरिया ले जाएंगे आप, ठीक है, और शक्तिमान ले जाएंगे त्रिचूर। तो देखो ये है गुड़िया जो हमने डोरा के लिए ली है, ये देखो डोरा से बड़ी गुड़िया ये। गुड मॉर्निंग, 7:56 हो रहा टाइम और हम जा रहे हैं बीरूखाल। 8 बजे वाली बस पकड़ के हम सीधा निकलेंगे बीरूखाल, वहाँ पे हमारी रीना मौसी आ रही है उनसे मिलने के लिए, और कुछ और काम भी बीरूखाल में हमें, वो निपटा के हम वापस आ जाएंगे 2 बजे तक, 3 बजे तक, 1 बजे तक, जितने बजे तक भी हम वापस आते हैं। तो देखो अभी हम रोड पे बैठे हैं और मेरे साथ रिच्चू है जो ये छोटा सा बैग लाद के लाई और मुझे जो है वो लाल वाला बड़ा सा बैग पकड़ा के भेजा है। बीरूखाल से आगे आगे और हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में बैजरो के बाद हम जाएंगे शिवशी, उसके बाद हम जाएंगे बीरूखाल। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। तो देखो अभी 10:41 हो गया और अभी जो है पहुंचे हैं बीरूखाल, हालत खराब हो गई। हम पहले बैजरो उतरे, बैजरो से हमने बस चेंज करी और बस में ना हमें सीट नहीं मिली तो हमें खड़े होकर आना पड़ा। अभी हम पहुंचे हैं बीरूखाल और हम खा रहे हैं चाउमीन, हमने खा लिया है मोमोज और हम खाएंगे आइसक्रीम। मेरे साथ है रिच्चू है जो चाउमीन खाई जा रही मुझे पूछ भी नहीं रही। कैसा रहा सफर है? मस्त है, खड़े हो गए आए हो तुम, सर घूम गया देखा। रिच्चू कुछ बोलेगी ना एक दिन तक मुझे सब पता चलेगा कि क्या क्या बोल रही हो। अभी यहाँ पे हम अपनी रीना मौसी का इंतजार कर रहे हैं, रीना मौसी आएगी उनसे मिलेंगे, उनसे सामान लेंगे, कुछ देर घूमेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे फटाक से। डोरा के लिए हम गिफ्ट लेने की सोचेंगे, डोरा ने मुझसे गुड़िया मांगी अगर आपको याद हो तो, अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो उसने मुझसे गुड़िया मांगी, तो यहाँ से कहीं दुकान से अगर गुड़िया बढ़िया से मिल जाए तो हम लेंगे और उसको भिजवाएंगे हम सीधा उसके घर, लेकिन देंगे जरूर दिल्ली जाने से पहले। रिचू मुंह लगा तुम्हारे। देखो हम खा के ना फटाफट से ना गाड़ी में भी बैठ गए हैं, मैंने बताया था हम बहुत जल्दी में हैं। यहाँ से हमने खाया, छोटा सा काम करा है, वापस जो है हम टैक्सी में बैठ गए बैजरो के लिए। तो देखो अभी हम थोड़ी देर पहले बैजरो पहुंचे और हमने डोरा के लिए जो है गुड़िया ली है उसके लिए। तो देखो ये है गुड़िया जो हमने डोरा के लिए ली है, ये देखो डोरा से बड़ी गुड़िया ये, ये देखो उसकी डिमांड थी कि गुड़िया, मैंने कहा ठीक है भाई गुड़िया आए हैं तो ज़रूर ले जाएंगे। और बहुत ना तैड़ पैड़ काम हुआ है, फटाफट। और अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से सीधा निकलेंगे बीरूखाल के लिए, हमारे साथ रिच्चू है। थकान भरा सफ़र, यह है बैजरो की मार्केट, यहाँ पे टैक्सी है, टैक्सी खड़ी है अलग अलग जगह के लिए जा रही है जो यहाँ से लेकर पीछे तक। और ये मैं ठीक छे फिर तिखन गुड़िया भेजन ठीक छे भैजी मिठा बांदर नीचे मिठा गुड़िया जी तो ले आए ना गुड़िया। ये डोरा की गुड़िया और सागर लाया है। डोरा से बड़ी है ये, बाप सही है ना। देखो अभी जो है हम पहुंचे हैं बीरूखाल, ठीक है, हमें कोई जान पहचान का मिल गया था कि हम गाड़ी में जो है यहाँ तक आए हैं और यहाँ से जो है पता है हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा या तो बस के लिए, उससे पहले भी अगर हमारी किस्मत रही तो जाके हमें टैक्सी मिलेगी। हालत ख़राब होगी अभी तक 1:15। तो देखो ये है बीरूखाल जो कि इस समय सुनसान पड़ा हुआ है, 1:15 हो गया।
बादल बहुत तगड़े लग रखे हैं, बहुत तगड़े लग रखे इस बार। 1:41 हो गए और अभी तक बस नहीं आई है। तो हम लोग ना मंदिर में आ गए। कैसा रहा रिचू सफर? ओ, मैं तो लेट क्या थक गई। हम लोग ना वहाँ से जल्दी निकल गए थे इस मारे कि हमें टैक्सी मिलेगी तो टैक्सी में फटाफट चल जाएंगे। लेकिन अब जो है ना, हमें 4 बजे वाली बस में जाना पड़ेगा जो 3:30-4 बजे तक सेंधार पहुँचाएगी हमें, केलाड़ पहुँचाएगी हमें। तो अभी पता 2:05 हो रहा है और हमने बैठे बैठे बोर हो गए, तो हमने क्या करें? तो हमने क्या करा, आइसक्रीम ले ली और हम पैड आइसक्रीम खा रहे हैं, वनीला और स्ट्रॉबेरी, बड़ी आइसक्रीम। लेकिन बारिश में लग रही, मेरे ऊपर एक बूंद गिरी, बारिश भी आने वाली है, मौसम तगड़ा हुआ। मैं दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। चलो 2:47 हो गए और आई है बस और हम इस पर बैठ गए। काफ़ी टाइम लगा दिया इस बस ने। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे केलाड़, केलाड़ में उतर के हम घोड़े बन जाएंगे। घोड़े मतलब ना, घोड़े मतलब कि हमें सारने पड़ेंगे 2 बड़े कट्टे यार। तुम ना ले जाओगे? तो देखो, अब हम केलाड़ में उतर चुके हैं और हमारे साथ है 2 थके हुए चेहरे, ठीक है, जो ये 2 बड़े कट्टे ले जाएंगे, एक शक्तिमान और एक सावरिया। सावरिया ले जाएंगे आप, ठीक है, और शक्तिमान ले जाएंगे मैं, ठीक है। तो अब 3:44 हुआ और अब हम पहुँचे घर पे। सुबह 8 बजे के निकले हुए, सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल, कहीं रुके नहीं, कहीं मतलब रोके थे, ठीक है। तो अब पहुंचे हम घर। हाँ, डोरा कहाँ है? डोरा, हेलो डोरा, गुड़िया देख ली तूने? थैंक यू। कंच अच्छी है? अपने दोस्तों को दिखाई तूने? क्या बोल रहे? अच्छा, तिल क्या बाल फिर? ओहो, मतलब खुश हो गई ना? बहुत खुश है वो। तो देखो, ये था हमारी प्यारी सी डोरा का रिएक्शन। खुश हो गई थी बहुत ज्यादा। अब मौसी बोल रही थी कि वो ना पूरे गांव में ना ऐसे लेके घूम रही थी कि मेरी भैजी लाए। और अभी भी जैसे उसको अपने बगल में लेटा के है, उसके ऊपर चद्दर उद्दर रख के ऐसे करके कर रही थी। बहुत खुश हो गई थी मौसी, बोल रही थी। तो मेरे को बहुत सही लगा। मैं चाहता था कि उसको एक गुड़िया गिफ्ट करूँ, मैंने दी तो मुझे काफी सही लग रहा है। तो मेरा रिएक्शन देखने चाहता था उसका, खुश हो गई थी बहुत ज्यादा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करिए, कुछ भी करना लेकिन करना। इस वीडियो में कम से कम 101 लाइक्स जरूर होने चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।